हेलो एवरीवन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या बोला है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मुझे क्या करना है कि एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या गिवन है, 16। इट मींस ए 3 इज इक्वल टू 16, द फर्स्ट थिंग। फिर इसने बोला एंड द सेवंथ टर्म, और इसकी जो सेवंथ टर्म है ए 7 एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, मोर है, किससे एक्सीड कर रही है? तो एक्सीड्स मतलब इक्वल टू, ठीक है, एक्सीड्स का मतलब होता है रियलिटी में क्या, बढ़ रहा है कि ज्यादा है किसी से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इक्वल टू का साइन करते हैं। तो बोले हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ना, एस सी आई एस लगता है, तो एस सी आई एस लग गया मतलब इक्वल टू के बाद की बातें करेगा भी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, एक्सीड द फिफ्थ टर्म, जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है कितनी, बाय 12, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एपी निकालनी। तो जैसे जैसे इसने बोला था मैंने कर दिया। इसने क्या बोला, दो चीजें बोली इसने, द फर्स्ट वन इज कि ए 3 इज 16, मेरी जो थर्ड टर्म है वो 16 है। फिर इसने बोला कि इसकी जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इट मींस ए 7th, 7th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स ए 5 बाय 12। ओके, ये मुझे गिवन था, ठीक है। तो यहां से मुझे दो इक्वेशंस बनानी है, दोनों बना लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाले अगर सोल्व करना चाहूं तो ए 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, 16। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको पता है ए यहां होता है n माइनस 1, यानी 3 निकालना है तो 3 माइनस 1 इज 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बनानी है यहां से, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो इंपॉर्टेंट कि दो टर्म गिवन होगी मुझे एपी निकालनी होगी, सेम ये थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, एक लेवल बढ़ा दिया बस। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ए 7 क्या होता है मुझे पता है, ए 7 इज इक्वल टू है ए 5 प्लस 12। ए 7 होता है भाई ए प्लस 7 माइनस 1 इज 6d होल इज इक्वल टू, ए 5 क्या होगा, दिस ए प्लस 4d इज प्लस में 12। ए और डी वाली सारी टर्म्स को एक साइड कर लो, तो यहां ए प्लस 6d मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए इधर आके हो जाएगा माइनस का ए, ये 4d इधर आके हो जाएगा माइनस का 4d होल इज इक्वल टू 12। देखो प्लस ए माइनस ए ये तो हो गया कैंसिल आउट, प्लस का 6d माइनस का 4d क्या बचा, दिस इज 2d होल इज इक्वल टू 12, यानी d की वैल्यू क्या आ गई भाई 12/2, यानी दिस बिकम 6। यानी इसने क्या किया भाई, स्टेटमेंट में तो एक लेवल बढ़ा दिया लेकिन क्वेश्चन एक लेवल आसान कर दिया, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 6, अब इस d की वैल्यू को कहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे मिल जाएगा a, फिर उससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, ठीक है। लिख दो पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d, a मुझे निकालना है प्लस 2d मैंने अभी अभी निकाला है, 6 इज इक्वल टू कितना है 16। कर दो सिंप्लीफाई, a प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और 12 उधर जाके माइनस 12, दिस बिकम 4। यानी मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, d मेरा 6 है, तो क्या आप एपी निकाल सकते हो, एपी क्या होगी भाई, एपी क्या होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d, यानी सब में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 प्लस 6 एज एज करते जाओ, दिस इज योर एपी। तीन या चार टर्म लिख दो इनफ है, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एपी, आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेटमेंट में ये चीज थोड़ी सी पढ़नी थी, बाकी आपके पास बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.2। अभी के लिए थैंक यू।